पबजी खेलने वालों के लिए एक बेहद बुरी खबर आ गई है। पबजी का एक खास गेम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बंद होने वाला है। पबजी लवर्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। पबजी लाइट के नाम से पॉपुलर बैटल रॉयल गेम का लो एंड वर्जन 29 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर बंद हो रहा है। पबजी लाइट को 2019 में एंट्री लेवल मोबाइल डिवाइसों के लिए पेश किया गया था। भारत सरकार ने बीते साल 2 सितंबर को पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों को ही बैन कर दिया था, लेकिन बाकी देशों में यूजर्स बिना किसी रुकावट के साथ पबजी खेल रहे थे। लेकिन अब खबर है कि पबजी का ये वर्जन पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा। पबजी लाइट को एंट्री लेवल के मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया था। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। भारत में इस गेम को पिछले साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया गया था। पबजी को अब तक 600 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस पर ग्लोबली 50 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स हैं। डेवलपर्स क्राफ्टन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक मैसेज के जरिए पबजी लाइट के बंद होने की खबर की पुष्टि की है। डेवलपर्स ने कहा है कि पबजी लाइट फैंस के सपोर्ट और पैशन को देखकर हम काफी उत्साहित हैं। कोविड-19 महामारी के टाइम में पबजी लाइट ने फैंस को काफी एंटरटेन किया और सेफ रखा। डेवलपर्स ने कहा कि हमें काफी दुख है कि हमें इस गेम को बंद करना पड़ रहा है। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। 29 अप्रैल 2021 को पबजी लाइट की सर्विस को बंद किया जा रहा है। हालांकि गेम के बंद होने के बाद भी पबजी लाइट फेसबुक फिलहाल चालू रहेगा। पबजी लाइट कोरोना के समय काफी पॉपुलर गेम था, इसे काफी खेला जा रहा था। भारत में बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया कि वो चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहा है। इसके बाद से डेवलपर्स भारत सरकार के साथ बातचीत की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 2-3 महीनों में पबजी मोबाइल भारत में दोबारा लॉन्च हो सकता है। भारत सरकार ने पबजी मोबाइल को भारत में रिलॉन्च करने की अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल ने अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कंपनी आने वाले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। पबजी मोबाइल चलाने वाली कंपनी क्राफ्टन पिछले कई महीनों से भारत में रिलॉन्च की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एक दिन पहले ही light.pubg.com को बंद किया गया है। अब ऐसे में जिन लोगों के फोन में पबजी लाइट पहले से इंस्टॉल है वो तो कुछ दिनों तक गेम को खेल सकेंगे, लेकिन अब नए यूजर्स गेम को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कंपनी भारत में पबजी मोबाइल को दोबारा कब लॉन्च करेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन पबजी लाइट को बंद करने की घोषणा कर कंपनी ने पबजी लवर्स को वाकई एक झटका दे दिया है।